नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुकीज़ को कैसे सेंड और रिसीव किया जाता है. प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि कुकीज़ कैसे वर्क करती है. ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्राउज़र एक वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है. ओके, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में वेब पेज भेजता है और उसके साथ एक कुकी क्रिएट करके ब्राउज़र पर सेंड करता है. ओके, अब ये कुकी वेब ब्राउज़र पर सेव्ड रहेगी. नेक्स्ट टाइम जब ब्राउज़र सेम सर्वर से कोई और पेज की रिक्वेस्ट करेगा तब उस रिक्वेस्ट के साथ वो उस कुकी को भी सेंड करता है. इसका मतलब है कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कॉन्स्टेंटली कुकी सेंड और रिसीव होती है. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुकीज़ के क्या क्या टाइप्स होते हैं. कुकीज़ बेसिकली दो टाइप्स की होती है, सेशन कुकीज़ और परसिस्टेंट कुकीज़. सेशन कुकीज़ टेम्प्ररी कुकीज़ होती हैं जो कि मेमोरी में टेम्प्ररी स्टोर्ड होती है. जैसे ही हम ब्राउज़र को क्लोज करते हैं ये कुकीज़ या इन कुकीज़ में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो डिलीट हो जाती है. सेशन कुकीज़ एक यूज़र को पर्टिकुलर सेशन के लिए ही आइडेंटिफाई करता है, जबकि परसिस्टेंट कुकीज़ स्टोर्ड कुकीज़ होती है या फिर हम इन्हें परमानेंट कुकीज़ भी बोल सकते हैं. ये कुकीज कंप्यूटर पे एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर्ड रहती है और ब्राउजर को क्लोज करने पर ये कुकीज डिलीट नहीं होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुकीज को कैसे क्रिएट किया जाता है. कुकीज को क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की कुकी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग कुकीज़ को रीड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कुकीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं. कुकीज़ नेम और वैल्यू के पेयर में ही स्टोर्ड होती है. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी फिर यूज़र नेम इक्वल टू और उसकी वैल्यू. कुकीज़ को क्रिएट करने के बाद हम उसकी एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं. एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए एक्सपायर्स एट्रीब्यूट में नंबर ऑफ डेज या टाइम हम लोग मेंशन कर सकते हैं. तो एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए सबसे पहले हम कुकी का नेम, उसकी वैल्यू और उसकी एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं. तो कुकी क्रिएट भी हो जाएगी और उसकी एक्सपायरी डेट भी सेट हो जाएगी. ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर जो स्नैपशॉट दे रखा है वहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और उस फंक्शन में हमने कुकी को सेट किया है, कुकी को क्रिएट किया है. यहाँ पर देखिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू नेम, ओके, और उस कुकी की वैल्यू पास करी है. ओके, कुकी की वैल्यू हम लोग इसके प्रीवियस स्टेटमेंट में रिट्राइव करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू एक्सपायर्स, इट मींस हमने यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेट करी है. यहाँ पर हमने एक्सपायरी डेट मंथ्स में सेट करी है, इट मींस आज का जो मंथ है उससे प्लस वन नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी डेट उस कुकी की सेट हो जाती है. ओके, तो चलिए देखते हैं कुकीज़ को कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसकी एक्सपायरी डेट सेट करनी है. स्क्रीन पर आप एग्जाम्पल एचटीएमएल पेज देख सकते हैं. यहाँ पर इस पेज में हमने ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है. इस फॉर्म में हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग कुकी की वैल्यू यूज़र से एंटर करवा सकते हैं और एक बटन बनाया है. उस बटन को क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल होता है और उस फंक्शन में हम कुकी को क्रिएट करेंगे और उसकी एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं. सो स्क्रिप्ट टैग में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे. सो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में हम लिखेंगे फंक्शन. हमने यहाँ फंक्शन का ऑलरेडी एक नेम दिया है, राइट कुकी. सो इस नेम से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे. अब इस फंक्शन में हम कुकी क्रिएट करेंगे. सो कुकी क्रिएट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू नेम और उसका नेम. अब नेम हम लोग एक यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जिस वेरिएबल में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में जो एंटर वैल्यूड है उसको रिट्रैक्ट करेंगे. सो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कुकी वैल्यू करके एक वेरिएबल लेते हैं. ओके, ये वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कुकी वैल्यू इक्वल टू. ओके, अब यहाँ पर हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट
फॉर्म का नेम हमने यहाँ सेट किया है माय फॉर्म. ओके, सो यहाँ हम लिखेंगे माय फॉर्म डॉट. टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमने कुक दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुक डॉट वैल्यू. ओके, सो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एंड वो वैल्यू कुकी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. इसमें जितने भी स्पेसेस हैं उन्हें एस्केप करने के लिए हम एक एस्केप कीवर्ड यूज करेंगे. ओके, तो हम लिखेंगे एस्केप डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कुक डॉट दिस. ओके, एंड डॉक्यूमेंट डॉट कुकी नेम, और इस वैल्यू को यहाँ पर नेम में सेट कर देंगे. एक्सपायरी सेट करने के लिए अगेन डॉक्यूमेंट डॉट कुकी expires equal to. अब एक्सपायरी सेट करने के लिए हमें उसका टाइम या डेट मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग मंथ में उसकी एक्सपायरी सेट करेंगे. तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग टाइम रिट्राइव करेंगे, तो हम लोग डेट यूज करते हैं, तो न्यू डेट. ओके, और गेट मंथ, तो जो भी करंट मंथ है वो गेट करके उसे सेट कर देंगे. तो लिखेंगे जो भी मंथ गेट होगा. ओके, मींस आज का जो भी मंथ है वो गेट होगा और वो सेट हो जाएगा सेट मंथ प्लस वन. ओके, जो भी करंट मंथ है प्लस वन नेक्स्ट मंथ में नाउ वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. ओके, और यहां पर हम उसे सेट कर देंगे नाउ. सो जो भी डेट है, जो भी नाउ वेरिएबल में करंट डेट आई थी उसको हमने नेक्स्ट मंथ का सेट कर दिया है और उसे यूटीसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे. यूटीसी है यूनिवर्सल टाइम में सेट कर देंगे. तो यहाँ पर हम कुकी का नेम सेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुकी की एक्सपायरी डेट सेट कर रहे हैं. अब कुकी क्रिएट हो गई है और उसको क्रिएट कन्फर्म करने के लिए हम लोग सिंपल अलर्ट या मैसेज प्रिंट करवा देते हैं. तो यहाँ पर हम अलर्ट बॉक्स यूज करके डिस्प्ले करवाएंगे कि कुकी क्रिएट हो गई है, कुकी की क्या वैल्यू और वो कब एक्सपायर हो रही है. सो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कुकी क्रिएटेड. ओके, वैल्यू ऑफ कुकी, कुकी वैल्यू. ओके, और हम कुकी की एक्सपायरी डेट भी यहाँ डिस्प्ले करवा देते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे सो एक्सपायरी डेट. नाउ वेरिएबल है जिसमें हमने एक्सपायरी डेट मेंशन करवाई थी. ओके, सो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कुकी कैसे क्रिएट होती है और उसकी एक्सपायरी डेट कैसे सेट की जाती है. तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है. प्रोग्राम को रन करने पर हमें ये स्क्रीन मिली है. यहाँ पर देखिए ये एक सिंपल फॉर्म है जो हमने क्रिएट किया था, जहाँ पर हम कुकी की वैल्यू एंटर कर सकते हैं और बटन क्लिक पर कुकी को क्रिएट कर सकते हैं. बटन क्लिक करने पर राइट कुकी फंक्शन कॉल होगा. ओके, और ये फंक्शन कॉल होने पर स्क्रिप्ट टैग में कुकी क्रिएट होगी और कुकी की एक्सपायरी डेट सेट हो जाएगी. ओके, सो यहाँ पर हम एक वैल्यू एंटर करेंगे. हमने कुकी की एक वैल्यू एंटर करी है. ओके, और बटन को क्लिक करने पर कुकी क्रिएट होगी. ओके, जैसे ही बटन क्लिक किया फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन में फर्स्ट अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा कुकी क्रिएटेड. ओके, सेकेंड है वैल्यू ऑफ कुकी, कुकी की क्या वैल्यू है वो आ जाएगी. ओके, एंड देन कुकी की एक्सपायरी डेट जो कि नेक्स्ट मंथ की है, तो यहाँ पर है एक्सपायरी डेट इज ओके नेक्स्ट मंथ. ओके, जो भी एक्सपायरी डेट मतलब उसका मंथ एंड उसका टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. सो ये है कैसे कुकी को क्रिएट करना है और कैसे उसके एक्सपायरी डेट सेट करनी है.